हेलो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 10 की गणित एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिएगा, दिया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिएगा, हल में आपसे जो पूछा है इसकी समस्या हम कैसे निकालेंगे। देखिएगा, जब कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह दो और पांच से विभाज्य होती है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब कोई भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती हो तो वो दो और पांच का गुणनखंड होता है या गुणज होता है। मतलब दो से भी डिवाइड हो सकता है, पांच से भी। अब देखिएगा, अतः हम क्वेश्चन पे देखेंगे, हमें दिया क्या है 6n। तो 6n का फैक्टर क्या हो सकता है, 2n इंटू 3n। तो आपने क्या देखा कि यह संख्या दो का तो गुणज है लेकिन पांच का गुणज नहीं है, इसलिए यह 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो आप लिख सकते हैं 6n का गुणनखंड 2n इंटू 3n है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये आपका क्या है आंसर। कोई दिक्कत? उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।